अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएस स्टाइल कॉर्नर। व्यूअर्स, आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी डायमंड के साथ, रियल स्टोन के साथ, जेम स्टोन के साथ ब्रेसलेट डिज़ाइन सिखाऊंगी। बैंगल्स भी आप देख रहे हैं, कुछ ब्रेसलेट्स भी आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में। बहुत ही खूबसूरत से, बहुत ही डिफरेंट से डिज़ाइन आप लोगों को मैं आज की वीडियो में दिखा रही हूँ, कुछ लाइट वेट के साथ, कुछ मीडियम वेट के साथ और कुछ हाई वेट के साथ। ये देखें व्यूअर्स, डायमंड ब्रेसलेट्स भी हैं, डायमंड बैंगल्स भी हैं इस वीडियो में, और कुछ आप इस वीडियो में रूबी के साथ भी डिज़ाइन देखेंगे, सरकून के साथ भी डिज़ाइन देखेंगे, एमरल्ड के साथ भी डिज़ाइन मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही खूबसूरत से सेट्स आप देख रहे हैं और बहुत ही यूनिक से डिज़ाइन मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखा रही हूँ, तो व्यूअर्स वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। ये देखें व्यूअर्स, बहुत ही आपको मैं इस वीडियो में डिफरेंट डिज़ाइन सिखा रही हूँ, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के साथ। ये देखें, बहुत प्यारे से डिज़ाइंस हैं, आप लोग इस वीडियो में कुछ ब्राइडल्स के लिए भी डिज़ाइंस देखेंगे, ब्राइडल गिफ्ट के लिए भी आप लोग इसमें आइडियाज़ देख सकते हैं। अगर आप लोग ऑर्डर पर बनवाना चाहें तो आप लोग इस तरह की ब्रेसलेट्स या बैंगल्स बनवा सकते हैं ऑर्डर पर भी। ये देखें व्यूअर्स, कुछ एक्सपेंसिव से डिज़ाइंस हैं और बहुत ही यूनिक से और ख़ूबसूरत से डिज़ाइंस हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट्स भी कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। एक बार फिर कहूँगी कि अगर अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।